तो वेलकम बैक माय ब्लॉग। तो गाइस आज मैं आया हूँ पटना, और आज ये ब्लॉग होने वाला है पटना के ऊपर, क्योंकि जो मेरा पिछला ब्लॉग था वो कवर नहीं हुआ था, आज उसी ब्लॉग को कवर करेंगे। और आज हम आए हैं पटना। इससे पहले मैंने आपको गया जी और भोलेनाथ जी ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन करवाए थे, तो उसके बाद हम सीधा आए थे पटना, और पटना का ब्लॉग आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो हम आज आए हैं पटना, जहाँ पे कभी पटना में आकर किसी से ना पटना, अगर पटे तो पट जाएगा पिटना, क्योंकि यह है वो पटना है जो पूरे इंडिया में फेमस है, इसीलिए इसका नाम है पटना। और यहाँ पे हर जगह आपको लाल लाल रंग दिखाई देगा, वो किस चीज़ का दिखाई देगा वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो गाइस, क्योंकि यहाँ पे चलता है शिखर, बिमल, राजनिवास, पता नहीं क्या क्या नाम है जो यहाँ पे खाए जाते हैं और लोगों द्वारा खाए जाते हैं, और उनको और फिर उनके द्वारा यहाँ पर लाल रंग हो जाता है। तो आज हम आ चुके हैं पटना, और यहाँ से जाएंगे हम पटना साहिब गुरुद्वारा, जो कि यहाँ का फेमस गुरुद्वारा है, उसकी हिस्ट्री मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ पटना का ब्लॉग देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको देखिए सबसे पहले जहाज़ के दर्शन जहाज़ दिखा देता हूँ। यह है पटना का जहाज़ जो पटना के ऊपर से जा रहा है। तो भैया यहाँ पे अपनी जेब वगैरह बचा के रखना, नहीं आपकी जेब भी कट सकती है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भी इतनी है, जनसंख्या भी इतनी है, तो कुछ नहीं बोल सकते। और यहाँ पे बंदों को देखकर डर भी लगता है कि बंदा हमें सही जगह पे ले जाएगा या नहीं ले जाएगा, बट कुछ लोग यहाँ के अच्छे भी हैं, तो आगे हम बात करेंगे। तो अभी देखते रहिए हमारे साथ। और हमने यहाँ पे एक ऑटो कर लिया है जो हमको पटना साहिब गुरुद्वारे में ले जाएगा, और जो ये ऑटो वाला भैया है ये हमें अच्छा लगा, सही लगा देखने के नज़रिए से, हमें इस पर विश्वास है थोड़ा, यह हमें अच्छी जगह और सही जगह ही लेके जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ से ऑटो ले लिया है। और यहाँ पे चलते हैं ग्रीन और येलो रंग के ऑटो, और यहाँ की आज सिटी भी देखेंगे हम, किस कैसी सिटी है, साफ या गंदी सिटी है, तो जुड़े ये हमारे साथ। तो भाई साहब मैं बैठ चुका हूँ ऑटो वालों के साथ में, ताकि मैं आगे का व्यू आपको साफ साफ और अच्छे से दिखाई दे, क्योंकि अभी रात होने वाली है, तो थोड़ी देर बाद आपको ये व्यू नहीं दिखाई देगा पटना शहर में। तो अगर पटना की बात करें तो पटना पूरे देश में इसलिए फेमस है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिहारी लोग जो कि दूसरे एरिया में जाके काम करते हैं, तो वो लोग यहीं से जाते हैं, और यहाँ पर पटना में सबसे ज़्यादा नदियाँ भी यहीं से निकलती है, जैसे गंगा माता जी। और गंगा माता जी यहाँ पे इतनी चौड़ी है, आप अंदाज़ा ला सकते हैं 1.5 से 2 किलोमीटर चौड़ी है। और यहाँ पे सबसे फेमस तो आपको पता ही है, हम जहाँ पे जा रहे हैं वो है पटना साहिब गुरुद्वारा, उसकी अच्छे से डिटेल मैं गुरुद्वारे में जाके ही आपको बताऊँगा, और गुरुद्वारे गुरु गोविंद जी के दर्शन भी आपको करवाऊँगा, तो वो बात हम बाद में करेंगे। तो बात करते हैं पटना, क्योंकि पटना में हमारी पहले भी ख्वाहिश थी पटना में घूम के आए, ऐसा क्या है पटना में। तो गाइस इसलिए मैं और हमारे साथी आ चुके हैं पटना में। तो देखिए ये यहाँ का पटना का नज़ारा, जो कि हम आपको एक ऑटो के ज़रिए दिखा रहे हैं। अगर यहाँ की साफ़ सफाई की बात करें तो कुछ हद तक यहाँ पर साफ़ सफाई हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे इतना भी बेकार नहीं है जैसा कि सुनने में आता है कि पटना में हर जगह लोग ऐसे ही कूड़ा काड़ा और शिखर वगैरह फेंकते हैं। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए हम इसको साफ बोल सकते हैं। और हमारी बात करें तो हम सबसे पहले गया ज्योतिर्लिंग जी में गए थे, उसके बाद गया जी में, और इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं आपको पता ही है गुरुद्वारे में। तो सबसे पहले हम उतरे यहाँ से पटना साहिब, और वहाँ से हमने ये ऑटो लिया, और जो हमको गुरुद्वारे पटना साहिब गुरुद्वारे में उतार देगा, उसके आसपास उतार देगा। और अगर वहाँ की बात करें तो वहाँ पे भीड़ वाला एरिया है, तो भाई साहब हमें बोल रहे थे मैं आपको पीछे उतार दूँगा,
बट हमने इनसे बात की तो भाई मान गए और हमको गुरुद्वारे के पास में ही छोड़ के आएंगे, तो देखिएगा हमारे साथ। तो गाइस अभी आप देख रहे हैं एक बड़ा सा हॉल। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, ये हॉल है जो कि हमको रात को इमरजेंसी में लेना पड़ा। जी हाँ, हम पहुँच गए थे पटना साहिब गुरुद्वारे में रात को, और रात को यहाँ पे उस टाइम फंक्शन था, तो उसके बिहाब पे यहाँ पे जो भी आसपास के सारे होटल हैं सारे बुक हुए हुए थे। हमें यहाँ तक कि गुरुद्वारे में भी जगह नहीं मिली थी, तो हमने यहाँ पे एक होटल हमें ये वाला मिला। और यहाँ पे कमरों की बात करें तो यहाँ पे सारे कमरे भी बुक थे। तो उसके बाद बंदे ने हमको बताया कि यहाँ पे एक हॉल खाली है, आप उसको ले सकते हो। तो हमने इमरजेंसी में बड़ा हॉल लिया, और ये हॉल लेके हमको फ़ायदा भी बहुत हुआ। यहाँ हम खुले से सोए, और अगर देखिए ये है हमारा होटल जहाँ पे हम रात को रुके थे, और ये हमारा हॉल जो कि मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। अगर साइड से बात करें, बाहर की तरफ चलते हैं, यहाँ पे जाली है, और जाली के साथ में यहाँ पे ये बाथरूम, और यहाँ से दिखता है पटना साहिब गुरुद्वारा। जी हाँ, तो अभी मैं आपको लेके आया हूँ होटल के ऊपर। अगर बात करें, वो आप सामने देख सकते हैं, वह है पटना साहिब गुरुद्वारा, जिसको देखने के लिए हम पटना जी में आए हैं, पटना में आए हैं। देखिए यह है गुरुद्वारा जो कि काफ़ी बड़ा है। इसको आज मैं आपको गुरु गोविंद जी के दर्शन भी कराऊंगा जो कि यहाँ आए थे, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ की सड़कें, और अभी यहाँ पे अगर सामने बात करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे और होटलों का काम चल रहा है। जी हाँ, तो हमें होटल करीबन, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो 4 से 5 हज़ार रुपये का शायद ये पड़ा हमको सारे बंदों को। तो इसमें फ़ायदा भी हमको हुआ, यहाँ पे काफ़ी सारे मंजे बिछे हुए थे, तो हमें भीड़ में नहीं सोना पड़ा, हम खुले में सोए। और अभी हम सब उठ चुके हैं और यहाँ से तैयार होके जाएंगे पटना साहिब गुरुद्वारे की तरफ। तो अभी हम हो चुके हैं तैयार, हमने स्नान नहा लिया धो लिया, अभी हम दर्शन करेंगे गुरुद्वारे में जाके, उसके बाद वहाँ का प्रसाद खाएंगे, तो और उसके बाद हम घूमेंगे बाज़ार में, और मैं आपको बाज़ार भी दिखाऊंगा। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पे छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं जिसके ज़रिए हम नीचे उतर रहे हैं और जा रहे हैं बाहर की ओर। तो ये हमारे भाई लोग हैं और आंटी जी हैं जो हमारे साथ हैं, और यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा है। देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ी गली है जिसके ज़रिए हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, और अभी हम पहुँच चुके हैं बाहर की तरफ। या अगर हमारे होटल की बात करें तो यहाँ से गुरुद्वारा तकरीबन 500 मीटर दूर है। जी हाँ, यहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं है गुरुद्वारा। और अभी बात करें तो देखिए सारे शटर बंद है, क्योंकि अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, और देखने में ऐसा लग रहा है कि सुबह के 10-11 बज रहे हों, इसलिए हम यहाँ सुबह सुबह ही जा रहे हैं। सुबह सुबह जाने का ये फ़ायदा है कि हमें दर्शन भी जल्दी हो जाएंगे। देखिए गाइस, हम पहुँच चुके हैं पटना साहिब गुरुद्वारा। जी हाँ, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा गेट है गुरुद्वारे का, और हम फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं, क्योंकि गुरुद्वारे के दर्शन करने के लिए जो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी आए थे, उनके दर्शन करने के लिए हम यहाँ पे स्पेशल आए हैं। और ये देखिए यहाँ से अगर बाहर की तरफ दिखाई दे तो कुछ ऐसा दिखाई देता है पटना साहिब का गुरुद्वारा। तो अभी हम अंदर जाएंगे, हमारे जो टीम मेम्बर है पीछे रह गए हैं, उनको आने के बाद हम अंदर आपको दर्शन करवाएंगे।